प्रकाश, जहां पानी के संकट से दिल्ली जूझ रही है, दिल्ली वासियों पर गर्मी के साथ साथ पानी की दोहरी मार पड़ रही है। बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है, गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग और घिटौरनी में ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से भीषण गर्मी भी चरम पर है और ऐसे में दिल्ली की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल भीषण गर्मी के साथ साथ पानी के संकट से भी राजधानी के लोग जूझ रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, की बात नहीं है, पूरा छतरपुर विधानसभा इस टाइम बहुत बड़ी पानी के संकट से जूझ रहा है। जो यहाँ के कुछ लोग हैं जो पानी की जो सप्लाई के जो टैंकर माफिया हैं, जो जल माफिया हैं, उनके कारण पूरा छतरपुर विधानसभा इतना परेशान है। चाहे घिटौरनी हो, चाहे आयनगर हो, चाहे जाणापुर हो, चाहे फतेहगढ़ी गाँव हो, असाला गाँव हो, चाहे सतबड़ी हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे राजपुर हो, मैदानगढ़ी हो, घाटी माइंस हो, शंभू कैंप, बाबू कैंप, इस टाइम स्थिति बहुत परेशान है। अगर इसी तरह पानी जल वाटर लेवल नीचे तक गया तो ये लाखों कई लाख परिवार है जो प्लान करने को मजबूर हो जाएंगे। तो बड़े शर्म के, बड़े दुख की बात है कि अपने नेता होते हुए और हमारे सारे गांव के लोग और कॉलोनी के लोग बहुत परेशान है पानी के लिए। यहाँ कम से कम 6 मंथ हो गया इस गली में, ये लगा लो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा और हम यहाँ इतने परेशान हैं पानी के बिगड़ कि हमारे लोग जो हमारे बच्चे भी दूर दूर से पानी ला रहे हैं। बहुत परेशानी है पानी के लिए। अब पता उस टाइम पानी चाहिए, टाइम बुध है, टाइम पानी पिए हैं, आई बहु बेटी चट लिए हैं कितना पानी, ये भग भग के लिए करती हैं, हम कहीं हम दोबारे में फिर भैया हमें पानी चाहिए, तो कैसे करो पानी ला के। हमारे इधर नहीं आ रहा पानी बिल्कुल भी, हम बिल्कुल परेशान हो चुके, न कोई सांसद है न कोई पार्षद है। अब देखो कोई कुछ नहीं सुनवाई कर रहा, बूढ़ा आदमी सुबह जावे, देखो अब आप लोग पानी की भूख नहीं है, कैसे करें हम। तो बूंद बूंद के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता, लोगों में अब नाराजगी है, गांव छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। शहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, घिटौरनी की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही जहां लोग पानी की वजह से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लोग जो है पानी के लिए एक बूंद तरस रहे हैं। आज सुबह जब मैं घिटौरनी गया, वहां के लोग जो गाँव के लोग हैं काफी रोग की बहुत बुरा हाल था, क्योंकि लोग जो है अपने घर से सामान भी निकाल के कि यहाँ से छोड़कर चले जाएं, है ना, दिल्ली छोड़कर चले जाएं, कहीं ना कहीं ये गांव बहुत पुराना है और छतरपुर विधानसभा का ये सबसे बड़ा गांव है घिटौरनी गांव। और यहाँ पर कई जो लोग रह रहे हैं, लोगों से जब मैंने बात किया, महिलाओं से जो बूढ़े थे, वो बुजुर्ग इस तरीके से कदर रो रहे थे कि बेटा हमको खाने को मत दो, पानी हमको दो, यानी कि ये हाल है पानी की। और इस तरीके से लोग जो है परेशान हो रहे हैं। घिटौरनी क्या छतरपुर विधानसभा में कई भी गांव ऐसे हैं जो कि पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पानी की जो विधायक हैं करतार की वो नदारद हैं, यहाँ पर टैंकर माफिया, यहाँ जो 120 टैंकर जो चलते हैं दिल्ली जल बोर्ड के, आखिर वो पानी कहाँ जाता है ये पता नहीं, मगर माफिया जो है अपने आप में फल फूल रहे हैं ये पकड़ते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।